दूसरा दिन है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वन और तकनीक मंत्री सुबोध उनियाल जी। उनियाल साहब, किस तरह से देखते हैं दो दिन की इन्वेस्टर समिट? देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिंदल जी, आपका अडानी साहब, तमाम फैमिली यहाँ पे आई है। और आज भी जिस तरह दूसरे दिन भी जिस तरह इंडस्ट्रीज का इसमें आकर के अटेंड करना, ये निश्चित बात से उत्साहवर्धक लगता है। और लोग उत्तराखंड की संभावनाएं, जो यहाँ पे पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और उनको ये देखना है कि गवर्नमेंट की नीयत क्या है। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ फ्रेंडली रहेगी। और जो जितना फ्रेंडली रहते हुए जितना हम उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, बिल्कुल उसमें पॉलिसी में मुश्किल तैयार है। और जो हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, मसलन फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा कि आज फॉरेस्ट में जो नेचुरल ब्यूटी हम पे है, जो हमारी हालात है, इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म में आपका माउंटेनियरिंग, आपका ट्रैकिंग, राफ्टिंग और तमाम तरह वेलनेस टूरिज्म, ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ आज जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर और पॉल्यूशन का बढ़ना। तो उसमें आज तमाम इंडस्ट्रीज जो कार्बन एमिट कर रहे हैं, किस तरह उनको ऑक्सीजन के माध्यम से इसको वो कंपनसेट करें, इसके लिए कार्बन ट्रेडिंग के लिए हमारे राज्य में बहुत बेहतरीन संभावनाएं हैं। हर्बल फार्मिंग की बेहतरीन संभावनाएं, एरोमेटिक क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। तो सभी में उत्साह था, मैं समझता हूँ कि अच्छा। कई मंत्री देख रहा हूँ कि सेशन में भाग ले, आप भी सेशन में भाग ले, और आपके पास जो विभाग है वन विभाग, उसकी तो सबको जरूरत है, वहां से तो एनओसी चाहिए। तो किस तरह की क्वेरी सबसे ज्यादा लोग आ रही है? देखिए, फिलहाल अभी क्वेरी नहीं आई है। अभी तो लोगों को वो सेक्टर्स दिखाए गए जहाँ पर पोटेंशियल है। अब उसमें हमने उनको एश्योर किया है कि गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली रहेगी और वो आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करके जहाँ एक और अपने एम्पायर को आगे बढ़ाए, वहाँ राज्य की इकोनॉमी में इकोलॉजी को साथ रखते हुए आगे बढ़े। उसी पे आ रहा था कि जब इतने इन्वेस्टमेंट होंगे तो फिर इकोलॉजी को भी प्रभावित किया हो सकता है, इकोलॉजी प्रभावित हो, उसको कैसे दोनों में समन्वय? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि हम इकोनॉमी और इकोलॉजी को साथ लेके चलेंगे और इकोनॉमी विद इकोलॉजी को लेकर ही हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल, जो कह रहे हैं इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी को भी साथ लेकर चलना होगा, उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये जरूरी है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साहब, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, FRI, देहरादून।